हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टेरेस माय गार्डन। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने अपने कामों में लगे होंगे। तो आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो है सीड्स के ऊपर, यानी कि बीज। तो ये बीज मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदे हैं और मुझे ये बीज बहुत ही सस्ते में मिले हैं। ये देखिए, और ये मुझे 5 दिन के अंदर घर पे डिलीवर हो गए थे। तो इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं 25 वैरायटीज़ के बीज हैं, जिनकी टोटल क्वांटिटी है 1320 सीड्स। 25 वैरायटीज़ के सीड्स हैं, 1320। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर कोरिएंडर, फेनुग्रीक, स्पिनच, लेट्यूस, रेड अमरनाथ, कैरेट, रेडिश, टमाटो, कैबेज, ग्रीन कैप्सिकम और इसी तरीके से टोटल 25 सीड्स हैं। जो सबसे पहली वैरायटी है उसमें कोरिएंडर है, फेनुग्रीक है, स्पिनच है, लेट्यूस है, रेड अमरनाथ है, जिनके 200 सीड्स हैं। तो सबके 200 सीड्स हैं। कैरेट्स और रेडिश के 50-50 सीड हैं। 20 सीड्स हैं टमाटो, कैबेज, ग्रीन कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, चिली, क्लस्टर बीन्स, बीट रूट, लेडी फिंगर के। 10 सीड्स हैं ब्रिंजल, ब्लैक राउंड ब्रिंजल के और ब्रिंजल पर्पल कटेरी के। और 5-5 सीड्स हैं कुकुम्बर, फ्रेंच बीन्स, पम्पकिन, रिज गॉड, बैटल गॉड, स्नेक गॉड, बिटर गॉड एंड स्पॉन्ज गॉड। तो आप देख सकते हैं, और ये जो पैकेट है 25 सीड्स का, वैरायटी सीड्स का, ये मुझको पड़ा है 250 रुपीज़ का विद इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस। तो चलिए मैं अब आपको इस पैकेट को खोल के दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसके अंदर की पैकिंग हुई है और मुझे कैसे प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये 25 वैरायटी के सीड्स रखे हुए हैं। ये देखिए कैसे करके, तो मैं अब आपको एक एक करके इनको दिखाता हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्पिनच, जिसके 200 सीड है। फिर है हमारे पास लेट्यूस, जो कि सलाद में यूज़ होता है, ये भी ग्रो करेंगे हम। फिर है हमारे पास फेनुग्रीक, यानी कि मेथी। मेथी के पराठे तो सभी ने खाए होंगे, तो हम इसको भी ग्रो करेंगे। फिर है हमारे पास रेड माथ यानी कि रेड अमरनाथ, ये भी पालक की तरह ही होता है दिखने में। इसको हम देखेंगे ग्रो करें या ना करें, क्योंकि हमने इसको टेस्ट नहीं किया है। फिर हमारे पास कोरिएंडर यानी कि धनिया, इसके भी 200 सीड्स हैं, हम इसको भी ग्रो करेंगे। धनिया थोड़ा टाइम लेता है ग्रो होने में, लेकिन ईजिली ग्रो हो जाता है। बीट रूट, चुकंदर बहुत ही अच्छा होता है, लाल लाल एकदम, तो हम इनको भी ग्रो करेंगे। फिर हमारे पास टोमेटो, 20 सीड्स हैं इसके भी, मैंने कुछ टोमेटोज ग्रो करे हुए हैं। ग्रीन कैप्सिकम, हरी शिमला मिर्च, इनको भी हम ग्रो करेंगे। ओकरा यानी कि भिंडी। फिर हमारे पास कॉलीफ्लावर, ठीक है, गोभी, इसके भी हम ग्रो करके देखेंगे, ज़्यादा स्पेस लेता है तो शायद ही ग्रो करे। फिर है क्लस्टर बीन्स, इसको हम ज़रूर ग्रो करेंगे क्योंकि ये बेल होती है, तो ये ऊपर तक जाएगी तो इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं लगेगा। फिर है कैबेज,
ये भी शायद ही ग्रो करूँ, लेकिन एक आध दो ग्रो कर लूँगा देखने के लिए कि कर पाता हूँ या नहीं। और आखिरी में 20 सीड्स वाले हमारे पास हैं चिली, यानी कि हरी मिर्च। मैंने कुछ ऊपर ग्रो करी हुई हैं घर की मिर्ची को यूज़ करके, तो हम बाहर से मंगाए हुए सीड्स को भी ग्रो करके देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में से बेटर कौन सा है। 50 सीड्स वालों में मेरे पास हैं रेडिश वाइट, यानी कि मूली, जिसके 50 सीड्स हैं। सर्दियों में साग के साथ खाने में अच्छा लगता है, तो मैं इसको ग्रो करूँगा। और है हमारे पास कैरेट नेंटिस, तो उसके भी 50 सीड्स हैं। देखता हूँ ग्रो करूँ या ना करूँ, करके देख लूँगा हो पाते या नहीं, एक बार एक्सपीरियंस तो ले ही लूँगा। फिर 10 सीड्स का नंबर आता है, 10 सीड्स में है मेरे पास ब्रिंजल कटेरी, इसको मैं ज़रूर ग्रो करूँगा। और दूसरा है ब्रिंजल ही है वो भी, वो है ब्लैक राउंड, जो कि भरते में काम आता है, भरता मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इनको ज़रूर डेवलप करूँगा, ग्रो करूँगा। उसके बाद आता है 5 सीड्स वाले वेजिटेबल्स का, जिसमें सबसे पहला है पम्पकिन, यानी कि कद्दू कोहड़ा। ग्रो करूँ ना करूँ सोचेंगे, इनका सीज़न आएगा तो इसको हम एक ट्राई करके देख लेंगे। फिर है रिज कॉर्न, इनके भी 5 बीज हैं, इनको मैं ग्रो करूँगा क्योंकि इसकी चटनी खाने का मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। फिर है हमारे पास स्नेक कॉर्न, लंबे लंबे होते हैं बहुत, तो शायद ग्रो करूँ क्योंकि यहाँ पे हम खाते नहीं हैं, ये सब ग्रो करके देख लेंगे, खा के देख लेंगे। फिर हमारे पास स्पॉन्ज कॉर्न, इसके भी 5 सीड्स हैं, ये भी ग्रो कर लेंगे। फिर हमारे पास बिटर कॉर्न करेला, इसके भी 5 सीड हैं, इसका भी जब सीज़न आएगा तो हम इसको ग्रो करेंगे। फिर है हमारे पास बॉटल गॉर्ड, यानी कि लौकी, लौकी के 5 सीड्स हैं, इसमें अब 3 बचे हैं, जिनमें से 2 मैंने यूज़ कर लिए हैं, टेरेस पे मैंने उनको लगा दिया है, 2 दिन पहले ही लगाया है, उसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और देखता हूँ किस तरीके से उनका एक्सपीरियंस रहता है मेरे पे, अगर वो ग्रो हो जाते हैं ठीक से तो मैं बाकी बचे हुए 3 बीजों को भी ग्रो कर दूँगा या नेक्स्ट सीज़न के लिए बचा दूँगा गर्मियों में। उसके बाद है हमारे पास कुकुम्बर खीरा, कुकुम्बर गर्मियों का सब्जी है तो अभी तो ग्रो नहीं हो पाएगा, अगर ग्रो करना है तो उसको इंडोर में ग्रो करना पड़ेगा, जो कि अभी मैं नहीं हूँ उस लायक, अभी तो टेरेस पे ही मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो कुकुम्बर हम फरवरी मार्च एंड में देखते हैं ग्रो करके, तो उसके 5 सीड्स हैं, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा है इसमें, 20 के आसपास लग रही है मेरे को, या 10 होंगे, नंबरिंग गलत कर दी है, ज़्यादा ही लग रहे हैं। फिर मेरे पास फ्रेंच बीन्स के भी मेरे को 5 से ज़्यादा ही लग रहे हैं, या फिर 5 ही होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ 5 ही हैं, बड़े बड़े हैं, एक साथ थे तो ऐसा लग रहा था ज़्यादा हैं, लेकिन हैं 5 ही हो, लेकिन कुकुम्बर तो ज़्यादा हैं, आप देख भी सकते हैं कुकुम्बर ज़्यादा ही लग रहे हैं, कि एक ऊपर है 2, 3, हाँ तो ये 10 के आसपास हैं, चलिए कोई नहीं, जितना ज़्यादा उतना बेटर है हमारे लिए, ज़्यादा ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि मेरे पास 25 वैरायटी है, 5 हैं 200 सीड्स वाले, 2 हैं 50 सीड्स वाले, 8 हैं मेरे पास 20 सीड्स वाले, 2 हैं 10 सीड्स वाले, और 8 ही हैं मेरे पास 5 सीड्स वाले, तो 8, 2, 10, 18, 2, 20 और 5, 25, टोटल 25 हैं। तो इनमें से विंटर्स में कौन सी उगती हैं और समर्स में कौन सी उगती हैं, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। और अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वेजिटेबल ग्रोथ के साथ साथ मेरा चैनल भी ग्रोथ ले सके, और मैं आपको इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस बना के दे सकूं, और वेजिटेबल्स का आपको किस तरीके से ग्रो करना है उसकी जानकारी दे सकूं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, अगर आपको भी
वेजिटेबल्स ग्रो करने का शौक़ है और आप सीड्स ख़रीदना चाहते हैं तो आप अमेज़ोन से ईज़िली ख़रीद सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये 25 सीड्स हैं मेरे पास, 25 वैरायटी के सीड्स हैं जो कि बहुत ही सस्ते में मुझे मिल गए हैं। 10 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से मुझे 250 रुपये का ये टोटल पड़ा है विद डिलीवरी चार्जेस। तो अभी इसको उगाते हैं, ग्रो करते हैं और इनकी क्वालिटी देखते हैं। क्वांटिटी तो हमने अभी देख ली, अब हम क्वालिटी देखेंगे। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो मेरे जो ये मेहनत की है सब चीज़ों में वो सक्सेसफुल हो जाएगी, और अगर सक्सेसफुल ना होता हूँ तो भी मेरे को एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरीके से मुझे चेंजेस करने हैं ताकि मैं अच्छे से सब्जी को उगा सकूँ। चलिए फिर, थैंक यू दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें ताकि और लोग भी इस तरीके की वीडियो का यूज़ करके अपने घर पे टेरेस गार्डन को डेवलप कर सकें ताकि वो भी अच्छा अच्छा खाएं और अच्छा अच्छा जिए। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।